और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बीजेपी ने अपने नगर निगम के प्रत्याशी अब घोषित कर दिए हैं, मेयर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका पार्षद पद के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसी बीच अमरोहा में एक बीजेपी नेता ने टिकट कटने पर जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। दरअसल पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मंडी चौक का है, जहां बीजेपी ने मुकेश सक्सेना का टिकट ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और जिसके बाद परिजनों ने आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता माजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, देखिए जिस तरह से अब टिकटों को लेकर होड़ देखी जा रही है, तमाम राजनीतिक दल एक एक करके घोषणा कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही है। लिस्ट जारी किए और लिस्ट जारी करने के बाद अमरोहा के वार्ड नंबर 27 से मुकेश कुमार सक्सेना, जो लगातार पिछले 12 साल से बीजेपी में अपनी सेवा दे रहे हैं, इस बार जो है वो वार्ड सभा सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते थे, उनका नाम था लेकिन अयन वक्त पर आकर उनका नाम इस लिस्ट से गायब हो गया। इस बात को लेकर वो काफी नाराज हो गए, उनका मनोबल काफी डाउन हो गया, देर रात उन्होंने पॉइजन खा लिया और फिलहाल उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि वो पिछली बार भी उन्होंने 5 साल पहले टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी के और दूसरे नेता ने उनका टिकट कटवा दिया था और बीजेपी के बड़े नेताओं से मनाने के बाद वो मान गए थे। लेकिन जो रविवार को बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है और सूची जारी करने के बाद उनका लिस्ट में नाम ना होना, उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल से मैं नगर महामंत्री हूँ और लगातार जो है मैं बीजेपी के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, लगातार बीजेपी के हर एक कार्यक्रम में शामिल होता हूँ, बीजेपी की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं और तमाम चीजों के लिए मैं लगा रहता हूं, उसके बावजूद भी बीजेपी ने मेरा टिकट काट दिया और टिकट काटने से नाराज होकर जो है सक्सेना जी ने जो है पॉइजन खा लिया और उनका निजी अस्पताल में इलाज चला है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और जो है डॉक्टर की देखरेख में इलाज चल रहा। उनके परिजनों का साफ तौर से आरोप है कि बीजेपी ने जो टिकट वितरण किए हैं वो गलत तरह से किए हैं और उन पर यहाँ तक कि उन्होंने एलिगेशन पैसों तक का लगा डाला है कि पैसों के लेन देन के चक्कर में उन्होंने जो है उनका टिकट कट गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए माजिद।